नई गजल के बारे में माधव कैसेट कंपनी की तरफ से और इस गजल के लेखक हमारे बड़े भ्राता सीटू शास्त्री जी और मैं आपका जाना पहचाना आपका दोस्त सुनील शास्त्री अकेला, जिन्होंने मुझे बहुत जल्दी गजल बना के दी। और क्या हुआ, प्रेमी अपनी ही प्रेमिका के बारे में कहता है, मैं हर बहन के बारे में बात नहीं करता, मैं उन्हीं के बारे में बात करता हूँ जो अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखती और प्रेमी से यारी तो करती है लेकिन अधपर में धोखा देके चली जाती है। गौर करते हैं, प्रेमी बोला, तूने खुद अपनाया था अब हमें भुलाती हो, अब हमें छोड़ जानू किसके संग जाती हो, बताया भी नहीं। प्रेमी लिखता है बार बार, मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन तूने जो कहा किया वो अच्छा किया। क्या बोला, और कहना है उस बेवफा के लिए दिल के दरिया में धड़कन की कश्ती है, दिल के दरिया में धड़कन की कश्ती है, ख्वाबों की दुनिया में यादों की बस्ती है, मोहब्बत के बाजार में चाहत का सौदा है, वफा की कीमत से बेवफाई सस्ती है। अरे ओ बेवफा, और क्या बोला वो प्रेमी, पहले की याद करो तू फोन लगाती थी, याद कर उस दिन की जो रात के चार चार बजे तूने फोन लगाया, मैंने बार बार मना किया लेकिन तूने अपने दिल में बिठा
दिखा लिया अच्छे, धोखा दिखाए प्यार के, और अंत में तू मुझे छोड़ के चली गई। अरे ओ बेवफा, पहले की याद करो, तू फोन लगाती थी हाथों के जालों से, तू हमें बुलाती थी। बहुत बुलाया कहाँ तक गजल में दर्शाऊं, मुझे दिल की बीमारी हुई, अभी तक तेरा फोन तक नहीं आया। अरे ओ बेवफा, तूने तोड़ी है यारी, मुझे दिल की बीमारी, मैं खुद मर जाऊंगा, आफत मिट जाए सारी। आंखों में कंकड़ की तरह खड़क रहा हूं, मेरे मरने के बाद तो चैन से रहेगी। बेवफा दुआ मेरी, तू ठोकर खाएगी, तो खुद भी रोएगी और हमें रुलाएगी। प्रेमी कहता है उसी बेवफा प्रेम का के बारे में और बोला, तू हमें छोड़ जानू गैरो संग जाएगी, तो खुद भी जन लोक गीत रसिया गजल सुनने के लिए माधव कैसेट को सब्सक्राइब करें।